हैपनली सरेंडरिंग अनटू यू नाउ, मतलब अब तक नहीं था। हर एक वर्ड को ना ध्यान से पढ़ना है। देखो अगर आपको प्रोडक्शन में नॉलेज चाहिए यू हैव टू रेफर कल्पक जैन घोषण मलिक, यस नो, यस नो। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मर्चेंट थ्योरी का एक इक्वेशन है 2 pi प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, एक बार बोलूंगा आपको लेगा सर ठीक है दो नंबर आ जाएगा, दो बार बोलूंगा आप बोले सर ठीक है, तीन बार बोलूंगा ठीक है। कोई इंसान यहां पर यह नहीं बोल सकता कि 2 pi प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल 90 डिग्री क्या इक्वेशन है, मेरा लाइफ बदल दिया। कोई बोल सकता है क्या? क्योंकि वो मेटेरियल नॉलेज है, उसका एक टेस्ट है और वो टेस्ट लिमिटेड है। एक बार लिया चलेगा, दो बार लिया चलेगा, तीन बार लिया चलेगा, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाता है। जो ये वाला कंसेप्ट है इसका ऑथर राइटर थोड़ा सा एलिवेटेड है, ठीक है, इनका समझना इतना आसान नहीं है, वर्ड टू वर्ड समझना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड। नाउ आई एम कंप्लीटली सरेंडरिंग अन टू यू, सिंस फ्रॉम नाउ आई एम योर डिसाइपल, प्लीज डिलीवर मी फ्रॉम दिस कंफ्यूजन। भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 verse number 7, कृष्णा वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई बोल तो दे, अब तक तो उनको ये लग रहा था ना भाई अपना कोई नहीं है ना, हो जाएगा ना ऐसा। दिस इज अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप व्हाट दे यूज्ड टू शेयर। एंड व्हेन यू गो ऑन टू दैट पर्टिकुलर स्टडी, आप जब भगवद गीता पढ़ेंगे तो जितने भी क्वेश्चन थे ना सबका सोल्यूशन उधर है, ठीक है। तो जो कंप्लीट सरेंडरनेस है, कंप्लीट सरेंडरनेस, कंप्लीट का मतलब नॉट इवन एन आयोटा, मतलब कुछ भी नहीं बाकी रहना चाहिए। जब तक आप कंप्लीटली सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आप जितना मर्जी कोशिश कर लें आपको कहीं ना कहीं डर लगेगा। एक क्वेश्चन भी था किसी स्टूडेंट का कि हाउ टू ओवरकम फियर, हु वाज दैट? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। कृष्ण कविराज गोस्वामी सेज, इज अ वेरी सीनियर डिवोटी, ही सेज आई वुड लाइक टू रिपीट, आप लोग रिपीट करेंगे मेरे बात लाउडली करेंगे, यस ना? यस सर। ध्यान से सुनना, एक सिंपल लाइन है, आई विल सिंग एंड यू विल लिसन एंड देन आई विल आस्क यू टू रिपीट। भज हुरे मना, रिपीट, भज हुरे मना श्री नंद नंदना, श्री नंद नंदना, भज हुरे मना, भज हुरे मना श्री नंद नंदना, श्री नंद नंदना अभय चरणारविंदरे, अभय चरणारविंदरे। वेरी सिंपल, वेरी इजी, जस्ट लाइक मेड इजी, बहुत सिंपल। कह रहे हाउ टू ओवरकम फियर, हाउ टू ओवरकम फियर, भजहु रे मन श्री नंदनंदना, दैट्स इट। भजहु रे मन श्री नंदनंदना, कहां भटक रहे हो? सिंपल है, सिंपल। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंदरे, हाउ टू ओवरकम फियर, वेरी सिंपल। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, वेरी सिंपल। नाउ मन श्री नंद नंदन को याद करे इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि हाउ इज माइंड, माइंड इज जस्ट लाइक अ नाइफ, लवली, यस नो? यस सर। चंचलो भी मनो कृष्ण, इवन अर्जुन इज सेइंग दैट। आपको क्या लग रहा है कि मतलब कोई ऐसे ही राह चलते हैं क्या? उनका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ना, लेवल ऑफ क्वेश्चन, आपको कभी ये ध्यान आया कि नहीं मुझे नहीं पता, भगवद गीता में अर्जुन ने कई बार ऐसा भी बोला कि इन सबको मैं मार के प्राप्ति क्या करूंगा, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंस है कि इनको मार दूंगा मैं। मतलब आप बोल रहे हैं सर ये निकाले करूंगा ही मैं क्या, मतलब आपका फ्लैग लेवल है, ये निकाल दूंगा। एक भी बच्चा कह रहा है यस निकलेगा कहीं से, एक कह रहा है यस निकाल के ही क्या हो जाएगा, डिफरेंस है। अर्जुन का लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या था कि इनको मैं मार के ही क्या प्राप्त करूंगा, इसका मतलब ही हैड द कैलिबर टू डिमोलिश, दैट्स इट, लेवल ऑफ क्वेश्चन। जब वो सवाल पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जो सवाल आप पूछ रहे हो अर्जुन ने नहीं पूछा? पूछा है आप लोगों के लिए। और ये लेक्चर कहां चल रहा था? नॉट इन JW Marriott, नहीं, ये लेक्चर चल रहा था एट द सेंटर ऑफ द बैटल फील्ड, बिकॉज यू ऑल आर फाइटिंग अगेंस्ट 100 marks, अर्जुन वॉज फाइटिंग अगेंस्ट 100 Kauravas, वेरी सिंपल। Everybody lovely, yes now? Yes sir. So you all are in the center of the battlefield where you are struggling against attachment. Bhagavad Gita mein Krishna chapter number 2 verse number 62, dhyayato vishyanupunsa sangadesan jayate sangyat sanjayate kama kamat krodho vijayate, 63 krodhat bhavati sammoha sammohat smriti vibhrama smriti vrinchat buddhi nasho buddhi nashat pranashyati. While contemplating the object of senses, the person develops attachment.
While contemplating the object of senses, I am thinking of some website. I am thinking of some XYZ thing. मैंने सोचना शुरू किया, वहीं से स्टार्ट हो गया. The first bacillus, the first bacteria. While contemplating the object of senses, the person develops attachment. अब एक attachment हो गया. From attachment develops lust, and lust arises anger. उसके बाद क्या? 63 श्री भगवान उवाच, क्रोधात भवति सम्मोह. एक बार गुस्सा आया, आपने अटेम्प्ट किया ना कि भाई आज एचएमटी निपटा देगा. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, वेरी सिंपल. हुआ नहीं? नहीं हुआ. गुस्सा आया, गुस्सा आया. क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा. स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति. वंस द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी गोज. सो हे पार्थ, यू आर गो गोन. वेरी सिंपल.